मोदी जी जब से आए हैं तब से जो है कि बनारस का नक्शा पूरा बदल गया है। अब 24 में मोदी जी भी आएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हर एक चीज जो है कि बदल गया, घाट से लेके रोड से लेके चाहे कोई भी चीज, बहुत बदलाव ये बनारस में आया हुआ है। हाँ, चलिए बनारस तो बदला, देश कितना बदला है? देश ही बहुत ज्यादा बदल गया उनके आने के बाद से। भैया ये जो मोदी जी जब से आए हुए ना 14 से लेकर अब तक, ये तीसरी बार है उनका। हम लोग की पूरी उम्मीद है कि मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि जो हिसाब से उनका काम है सबको पसंद है। अच्छा। वो एक तरफ नहीं वो राजनीतिक करते ना है, वो सबको लेके चलते हैं। अच्छा। और चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे मुस्लिम। भाई गठबंधन है, इस बार मोदी जी हार जाएंगे? नहीं होगा, मोदी जी आएंगे। मोदी जी के साथ हैं हम लोग, हम भी मुस्लिम हैं, मगर हम लोग मोदी। अरे मुस्लिम, आपका नाम क्या है भाई? नाम दे मत जूझिए, मगर नाम तो नहीं तो पता चली गया मुस्लिम है, नाम तो बताइए। अब चलिए नाम से कोई नहीं है, अब चलिए कोई भी नाम है आपका, आप मुस्लिम है, लेकिन आपको मोदी जी कैसे पसंद आ गए? कह रहे हैं भाई मुस्लिम के काम अच्छा है उनका, अदरवाइज पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है, उन्हीं की वजह से हम लोग पहचाने जा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के व्यक्ति उन्हीं की वजह से आज हैं, ना कि पहले जितने भी नेता थे, जितने भी बैठे हुए थे शासन पे, उनके वजह से क्या कुछ नहीं हो पा रहा था। अदरवाइज अभी जो बैठे हुए 14 से लेकर अब तक, अब योगी जी भी इतना बढ़िया हम लोगों का पूरा देख रहे हैं, अब उन्हीं के राज्यपाल में इतना कुछ हो रहा है ना, ये स्मार्ट सिटी जितना भी आया हुआ है, हर एक चीज़ जो भी है, बच्चे का मोबाइल है, अदरवाइज जो भी जितना भी है, सड़क है, रोड है, कोई भी अदरवाइज घाट है, कोई भी चीज़ है, तो देख लो जितना भी हुआ है तो उन्हीं लोगों की वजह से, ना कि इसके पहले कोई इतना काम करा हुआ है इस जो स्थल पर, नहीं करा हुआ है कोई भी नेता, अब आएगा कोई करने वाला भी नहीं है, खाली बस अपने अपने क्षेत्र के लोग देखता ना, ये तो पूरा नक्शे ही बदल दिए पूरे वर्ल्ड वाइड का, जो नहीं होता एक हम लोग के छोटा सा बनारस से उसको पूरा बदल के रख दिए। हम लोग सोचते हैं भैया नेक्स्ट टाइम में मोदी जी है, मोदी जी के हम लोग जो है कि सपोर्ट मोदी जीते हैं। अच्छा, मोदी आप मुस्लिम भाई हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप बार बार कह रहे हैं घाट अच्छे कर दिए हैं, घाट वगैरह बना दिए, आप मुझे ये बताइए कि घाट से मुस्लिम समाज को क्या लेना देना, घाट अच्छे कर दिए इससे आप क्यों खुश हैं? देखिए घाट से, घाट पे जो रोजगार पहले का उतना नहीं था, अब रोजगार हो गया, जो बाहर से जो आते हैं कस्टमर, कॉरिडोर बन गया है, ठीक है, मंदिर वगैरह है, उसके वजह से जो यात्री आते नहीं थे, जिसको ना पसंद था बनारस, छोटा सा चाहे रोड के मामले में उन लोगों को थोड़ा सा वो नफरत थी बाहर जितने भी गेस्ट थे, अब उनको वो प्यार हो गया है। मोदी जी जब से कदम रखे हुए ना है और डेवलपमेंट जब से करे हुए हैं, बहुत अच्छा जो है कि इस चीज़ से बाहर क्या, यहाँ के जितने लोकल से व्यापारी लोगों को, उनको बहुत फायदा है, यानी मुस्लिम समाज को भी व्यापार में फायदा है। हाँ, देखिए जितने भी घाट से सब स्मार्ट कर दिए, नमो घाट है और भी घाट जो है कि उसको जो है कि कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या अब इतना खुश है, हम लोग अब क्या चाहिए, और भी कुछ कर रहे हैं मोदी जी, सोच रहे हैं और सब चीज़ ठीक है। इतना खुश तो हिंदू समाज भी नहीं है, नहीं इतने खुश आप? नहीं नहीं ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये बताइए मेरे भाई, कहते हैं जैसे पाकिस्तान की हम खबरें देखते हैं या फिर हम यहाँ भी सुनते हैं, कुछ विपक्षी पार्टियाँ हैं, ओवैसी जैसे नेता हैं, वो कहते हैं भाई भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा हिंदूवादी नेता है, आप यूपी में हैं या योगी जी मुख्यमंत्री हो गए, मुस्लिम समाज डरा हुआ है, डरता है मुस्लिम समाज? डरता नहीं है, मुस्लिम समाज इससे खुश है, जब से ये आए हुए ना है सारा आतंकवाद खत्म हो गया है, अब योगी जी जब से आए हुए हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इसमें दो राय नहीं है, और यही जो है कि हमारे अंदाज से 80% मुस्लिम खुश है, 70%, क्योंकि जो कुछ है वो थोड़ा सा अब उनके दिल में क्या है क्या नहीं, ये सबके दिल में नहीं जागा जाता जा सकता है, क्या है कि अब जो हिसाब से जो काम कर रहा है उससे जो है कि सबको बहुत ज़्यादा विपक्षी खिलाफ है, अब जो साला काम नहीं कर रहा उसके सब सपोर्ट में, अब दूसरी सरकार आ जाएगी तो वो काम नहीं करेगी तो उसके जो है कि फिर उसका वो जो है कि बैंडबाजा करने लगी, जो काम कर रहा है उसके साला पीछे पड़े हुए हैं। बताइए आप कह रहे, आप क्या बनारस भी हैं, आप कह रहे खुश है, अभी ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है और राम मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद वहाँ से हटाई गई, उसके बाद जो है मथुरा का मुद्दा चल रहा है, तब भी आप खुश हैं? अदरवाइज क्या होता है ना, देखिए ये यहाँ का जो कानून है, अब ये कानून ना फैसला करता है सर, कानून के ऊपर ना चलेगा कि हम आप कोई भी अदरवाइज जो है पुराना जो जैसा है इसका है वो अब कानून ना देगा, अब कोई भी जनता नहीं दे सकता ना, चाहे मुस्लिम विपक्षी हो चाहे हिंदू विपक्षी हो, अब जो भी कानून कोर्ट देगा ना, कोर्ट जो फैसला करा आप क्या है, सब उसमें खुश हैं, अभी भी खुश है लोग, और जो नहीं खुश है वो अपना क्या करेंगे? कौन से मुस्लिम हैं जो ये कहते हैं कि भैया नहीं, यहाँ तो कयामत तक मस्जिद ही रहेगी, मस्जिद थी और क्या नाम, योगी मोदी डरा रहे हैं मुस्लिम समाज को, खत्म कर रहे हैं? बात नहीं उससे, कोई बात नहीं, कोई को डरा नहीं रहे, अगले लोग जो भी कर रहे हैं सब देश के भले के लिए कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, जो जितना ये सोचता है ना भैया
वो सब चीज़ गलत है। नहीं बताया नहीं आपने नाम सारी बात नाम तो कुछ और नहीं नहीं ना हमारा बेनाम है बेनाम है। अरे आप इतने बढ़िया बोल रहे हैं, नाम तो बताइए। अशरफ अली, चलिए अशरफ अली जी एक बात बताइए, नाम अशरफ अली है? चलिए कोई नहीं, नाम तो देखिए कुछ नहीं, मगर ये है कि ना काम अच्छा कर रहे हैं और जो है कि उनका साथ देना चाहिए। अब तो लोग चेहरा, अरे अब रुकिए अभी कहाँ जा रहे हैं। अच्छा इंडिया गठबंधन है कह रहे, अगर मल्लिकार्जुनम खड़गे का नाम बार बार सामने आ रहा है, अगर वो सामने आते हैं वो तो ये भी कहते हैं मुस्लिम वोट सारा हमारा है, जीत पाएंगे मोदी जी को, हरा पाएंगे क्या? देखिए मोदी जी को जितनी भी ताकत कोई लगा ले तो एक जैसे नहीं होता है कि भैया एक लोटा पानी निकाल लीजिए, एक लोटा कुआं में से एक बाल्टी कुआं में से पानी निकाल लेंगे, वही किस्सा है। जैसे विपक्षी एक बाल्टी खाली पानी निकालेंगे, उनका पूरा कुआं ना है मोदी जी का, है कि नहीं? तो कुआं के बदौलत जो है कि मोदी जी पता नहीं कब तक रहेंगे, मगर जी की ईश्वर का साथ है वो अब तक है, नेक्स्ट टाइम भी वो रहेंगे। तो आप मोदी जी को ही वोट देंगे? मोदी जी के दिया जाएगा हम लोग वोट। अरे फतवा लग जाता है आप लोग वोट देते हैं, ये सब चीज़ नहीं है भैया। जो जो जैसे देखिए मीडिया का काम है भैया, थोड़ा सा मुद्दा होता है 1000 उसको बाद जो है कि मसाला देता है। हम लोगों का क्या काम है, जो सामने रहता है वही जो है कि आम पब्लिक बोलेगी, जो चीज़ दिखेगा वो चीज़ जो है कि बिकेगा, वो चीज़ चलेगा, है कि नहीं? अदरवाइज एक बात और बताइए कि अभी मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, मेरे दिमाग से निकल गया, जो पहले मुस्लिम समाज में और आज के युवा जो मुस्लिम हैं उनमें अंतर क्या है? क्योंकि पहला जो हम देखते हैं समाज, मुस्लिम समाज, वो कट्टर एक दौर पे दिखाई देता है कि भाई हम तो सपा का वोट बैंक है, जो मुस्लिम समाज की वो करेगा उसके वोट बैंक। हम लोग सेकुलर कंट्री से हैं, भारत से, इंडिया से हैं, और प्लस जो है कि ऐसा किसी को सोचना नहीं चाहिए, जो अभी सरकार जो अच्छा कर रही है उसका साथ देना चाहिए, हमारा ये कहना है। और जो भी अपना मजहब सबको फॉलो करना चाहिए, कोई ऐसा कुछ बात ही नहीं है, लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, बस एकता लेके इंसान चल रहा है वही चलेगा आगे तक, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। जी से डर नहीं लगा कभी? कभी नहीं, अच्छा। सब अच्छा काम करे, सब अच्छा काम। मोदी जी भी? मोदी जी तो कर ही रहे हैं भैया, देश का जो है आगे तरक्की ले गए हैं, तरक्की ले गए हैं बनारस में भी, बनारस में बहुत ज्यादा भैया, तभी ना आदमी जो है खुश है, चाहे लाइट से लेके चाहे कोई भी चीज से लेके। पहले क्या है कि लाइट दो दो तीन तीन दिन नहीं रहती थी, अभी देखिए 10-5 मिनट गए आगे तुरंत बिजली के मामले में। आपकी सोच मुझे ये बताती है, अगर दर्शक भी सुन रहे हैं कि आज का युवा चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, वो काम देख करके वोट करता है, ना कि ये मजहब देख करके मैं मुस्लिम हूँ, मैं अखिलेश यादव का वोट। भैया सीधी सी बात है, जितना भी लोग पापड़ जो है कि बेल थे चाहे कोई भी हो, चाहे सीधा हो या मुलायम रोड लो, वही जो है कि लास्ट ऑप्शन मोदी जी जो है आने वाले हैं, जितना भी कुछ भी कुछ कुछ कर लेना भैया। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम नासिर अंसारी। नासिर अंसारी, नासिर अंसारी। नासिर जी ये बताइए कि मुस्लिम समाज इस बार किसको वोट कर रहा है, मोदी जी को वोट करेगा या गठबंधन को वोट? देखो वोट तो सबको पड़ता है, वोट तो सबको पड़ेगा, मोदी जी को भी वोट पड़ता है, पड़ता है। मुस्लिम समाज की इधर पड़ रहा है। अब ये तो सबका अपना अपना मन है, क्यों है? अगर 5 इन सालों में मोदी जी ने आपको कुछ दिया है, मुस्लिम वोट तो पड़ता है मोदी जी को, क्यों नहीं पड़ता है? मोदी जी तभी तो जीतते हैं ना बनारस में, बनारस में काम कर रहा है, बनारस में मुँह पे नहीं ना वोट मोदी जी को देते हैं, चाहे हमारा जो घर है हरिजन बस्ती में सब कहते हैं हाथी भी देते हैं ना, वो सब साले कमल पे वोट दे के आते हैं, हम जानते हैं ना कितना काम बोलता है मोदी जी का, काम बोलता है, बहुत काम बोलता है हमारे। बोल नहीं रहे, मुस्कुरा चांदमारी में कोई झांकने नहीं रहता, असल चांदमारी में चले जाइए इससे लगता है वहाँ विदेश हो गया है, चांदमारी की बात बता रहे हैं, कोई झांकने नहीं आता था, आज जाके देख लीजिए। तब कि कुछ समय पहले जब मडवटी स्टेशन नहीं बना रहा, वो जंगल एरिया रहा, और आज के डेट में उधर जाने के लिए सेल्फी खींचने के लिए लड़के लोग का भीड़ लगा रहता है। अच्छा, मडवटी स्टेशन विकास किया मोदी, इतने बहुत विकास किया, बनारस का विकास हुआ, देश में विकास किया नहीं किया? तो किया, क्यों नहीं किया है, किया है, हर जगह किया है। अच्छा चाचा एक बार बताइए, आऊंगा आपके पास भी, आपका नाम क्या है भाई? राम गोविंद यादव। राम गोविंद यादव जी, आपके पास भी आऊंगा, आप बताइए कि इस बार मुस्लिम समाज मोदी जी की योजनाओं का लाभ लिया है या नहीं लिया? नहीं लिया है। क्या क्या लाभ तो सबको मिला है, जिसे लोगों को अनाज मिल रहा है या जिसको किसी को मकान मिला, सबको नहीं मिला है, जिसको मिला उसको मिला है, सबको नहीं मिला है, सबको नहीं मिला, आपको मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? नहीं। तो अगर अनाज की अगर बात आप करेंगे, इन्हीं समुदाय के कुछ इंसान ऐसे हैं कंट्रोल से सामान लेके दुकान में जाके बेच दे रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या कहेंगे? सब बेच, ज्यादातर देखे हैं बहुमूल्य समाज में, ज्यादातर देखे हैं कि ये सामान ये लिए पीछे से ये बेच दिए। वो तो हिंदू समाज में भी है कुछ लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कोई को मैं बोल रहा हूँ ना, अकेले एक को नहीं बोल रहा हूँ,
कुछ ज्यादा वर्गों में इनको देखा गया है। अच्छा ये बताइए, अगर खड़गे जी को प्रधानमंत्री चेहरा बना दिया जाए तो जीतेंगे गठबंधन? खड़गे जी, मल्लिकार्जुनम खड़गे गठबंधन का प्रधानमंत्री चेहरा? ये, 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 ये तो समय ही बताएगा भाई, आदि जनता तो ये कह रही है उन्हें जानते ही नहीं है, है? तो जीतेंगे कहाँ से? ऐसा भी है क्या? आप जानते हैं खड़गे जी को? हाँ जानते हैं। जानते कौन है खड़गे जी? ये तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। बड़े नेता हैं। हाँ। तो अगर उनको प्रधानमंत्री जी के सामने खड़ा कर दिया जाए विपक्ष का नेता बनाकर, जीत पाएंगे वो? ना, 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 वो जो जहाँ से जीते हैं वहाँ से जीतेंगे, यहाँ से थोड़ी जीतेंगे। यहाँ से नहीं, मोदी मोदी के टक्कर ले दे पाएंगे? मोदी जी का कहाँ से टक्कर नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। आपका क्या नाम है गुरु? अजीम मेरा नाम है। अजीम है? अजीम नाम है। अजीम? हाँ भाई आप बताइए। अरे रुकिए चाचा, ओ भाई अदीम भाई बताइए, 2024 में नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, विपक्ष जीत रहा है? हाँ मोदी जी जीत रहे हैं। मोदी जीत रहे हैं? बिल्कुल। क्यों जीत रहे हैं मोदी जी? मोदी इतना काम किया, अरे विकास किया उन्होंने, वो तो जीतेंगे। क्या क्या विकास किया? बहुत की रोड बनवाया, मंदिर बनवाया, जी बनवाया, बहुत चीज बनवाया उन्होंने। यार अपना नाम आप अदीम बता रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर बनवाया इसलिए जीतेंगे, मंदिर से अदीम को क्या लेना देना? कुछ देना नहीं उसका, नहीं है। अच्छा आप खुश है मंदिर बनाए? बिल्कुल खुश है सर। कारण क्या है खुश होने का? आप पीछे पीछे जा रहे हैं, आइए तो दुकान लगाए हैं। तो भैया देखिए, कोई कह रहा है मोदी जी जीतेंगे, कोई कह रहा है गठबंधन जी।